बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां गैंग वार में 5 लोगों को गोली लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मोतिहारी में गैंग वार हुआ और इस गैंग वार में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। छतौनी थाना के मठिया चौक के पास ये वारदात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मोतिहारी में गैंग वार में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। छतौनी थाना के मठिया चौक के पास ये घटना घटी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, मोतिहारी में गैंगवार हुआ, इस गैंगवार में 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें 4 गंभीर रूप से जख्मी है, वहीं एक की मौत हो गई है। पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। ये घटना छतौनी जो शहर के मठिया चौक है वार्ड नंबर 5 वहाँ घटी है, और यहाँ अंदर अत्याधुनिक हथियार का उपयोग का प्रयोग कर अपराधियों ने मारी है गोली और 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें मरने वाले में एक प्रिंस कुमार है, वो ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर का बताया जाता है। अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक मरने वाला लड़का 20 वर्ष का है, वो ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर का निवासी है, और उसके साथ 5 और लड़के थे, जो उनका नाम आ रहा है, एक का नाम विराग है, दूसरे का नाम राजकुमार है, तीसरे का नाम विराग है, और देवा कुमार यश प्रकाश करके सहित अन्य। जितने लोग गैंगवार में शामिल थे और जितने लोगों को गोली लगी है, ये इनकी उम्र क्या बताई जा रही है, किस उम्र वर्ग के थे ये लोग? सभी जो भी जिनको भी गोली लगी है, सब 20 से 22 वर्ष की उम्र के नौजवान है जिन्हें गोली लगी है। ये लोग मुजफ्फरपुर से किसी शादी समारोह में भाग लेने यहाँ आए थे छतौनी जी, ठीक है, छतौनी चौक ये लोग आए थे और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने निकले थे। इन लोग से कल एक रोज पहले झगड़ा हुआ था किसी गैंग से, उसी के बदले में आपातारी की ये हम कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदता में भी हो सकता है और गैंगवार भी इसे कह सकते हैं, जिसमें गोलीबारी हुई है और इसमें 5 आदमी को गोली लगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां छतौनी थाना के मठिया चौक के पास एक गैंगवार हुई, इस गैंगवार में 5 लोगों को गोली लगी है, गोली लगने से एक की मौत हो गई है और फिलहाल 4 गंभीर रूप से जख्मी है। बिहार के मोतिहारी में गैंगवार हुआ, इस गैंगवार में 5 लोगों को गोली लगी, गोली लगने से 4 जख्मी हो गए हैं, वहीं एक की मौत हो गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद ने बताया कि ये सभी शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे, इसी दौरान इनकी किसी एक ग्रुप से झड़प हो गई, किसी गैंग से झड़प हो गई थी, और इसके बाद दोनों ओर से गोलियां चली हैं और छतौनी थाना के मठिया चौक के पास गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी और 4 जख्मी हैं, वहीं एक की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां एक शादी समारोह में शामिल होने आए 4 युवक को, माफ कीजिएगा, 5 युवक जो 20 से 22 वर्ष उम्र के वर्ग के बताए जा रहे हैं, ये शादी समारोह के दौरान इनकी किसी एक गैंग से झड़प हुई थी। इसके बाद आज मोतिहारी के छतौनी थाना के मठिया चौक के पास गैंगवार हुई और दोनों ओर से गोली चली, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी और इस गैंगवार में 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए, वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सभी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, और इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मोतिहारी में गैंगवार में 5 लोगों को गोली लगी है और इस गोलीबारी में 4 जख्मी हो गए हैं, 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं, वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मोतिहारी में गोलीबारी हुई, गैंगवार हुआ, इसमें 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 4 गंभीर रूप
चार गंभीर रूप से जख्मी हैं और एक के मौके पर ही मौत हो गई। जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद ने बताया कि सभी युवक एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और इस समारोह के दौरान इनकी किसी एक गैंग के साथ झड़प हुई थी। झड़प होने के बाद आज छतौनी थाना के मटिया चौक के पास दोनों गैंग आपस में भिड़े, दोनों ओर से गोलियां चली और इस गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लग गई। 5 युवकों को, सभी 20 से 22 वर्ष की उम्र के बताए जा रहे हैं और जिसमें 4 जख्मी हैं और एक की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के मोतिहारी में बड़ी घटना घटी है। गैंगवार में 5 लोगों को गोली लगी है। पूरी वारदात छतौनी थाना के मटिया चौक के पास की बताई जा रही है। आपको बता दें कि सभी युवक एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और इस शादी समारोह के दौरान युवकों की झड़प एक गैंग से हो गई। गैंग से झड़प होने के बाद आज मोतिहारी के मटिया चौक के पास दोनों गैंग की भिड़ंत हुई। दोनों गैंग की भिड़ंत में दोनों ओर से गोलियां चली हैं। इस गोलीबारी में 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां मोतिहारी में गैंगवार में 5 लोगों को गोली लगी है और इस गोलीबारी में 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं और एक की मौत बताई जा रही है। यह सभी युवक 21 से 22 वर्ष के वर्ग के बताए जा रहे हैं और सभी एक शादी समारोह में शामिल होने मोतिहारी पहुंचे थे। इस दौरान इनकी किसी एक ग्रुप के साथ, किसी एक गैंग के साथ झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद आज छतौनी थाना के मटिया चौक के पास दोनों गैंग की आपस में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 4 जख्मी हैं और एक गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उसकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे लाइव 7 के माध्यम से आप सभी के टीवी स्क्रीन पर, जहां मोतिहारी में आप देख सकते हैं किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं और इसके बाद दो गुटों में भिड़ंत होती है। जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, जिसमें 5 लोगों को गोली लग जाती है, एक व्यक्ति की इसमें मौत हो जाती है और 4 गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर।